आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 पंच लाइट। तो पंच लाइट की छोटी सी कहानी है, इसको पढ़ेंगे। इस पाठ का उद्देश्य क्या है? शिक्षा जीवन का आवश्यक अंग है, बतलाना, ग्रामीण संस्कृति का दर्शन और मनोरंजन करना। इस पाठ का प्रवेश किस तरह से होता है? आंचलिक कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा ग्रामीण अंचल पर रति बसी कहानी पंच लाइट ग्रामवासियों के जीवन का यथार्थ रूप प्रस्तुत कराती है। ग्रामीण भाषा, उनके हृदय की सरलता, पंचों पर विश्वास, अनपढ़ता तथा नई तकनीक से अनजान होने से उत्पन्न कठिनाइयां कहानी को यथार्थ के धरातल पर उतार देती है। तो आइए इस पंच लाइट की एक गांव की छोटी सी कहानी को पढ़ते हैं। पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके मैं तो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है। पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने इन सभी के पैसों को बटोर कर वहाँ के जो पंच हैं उन्होंने एक पेट्रोमैक्स खरीदा है। इस बार रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जाति का अलग अलग सभा चट्टी है। सभी पंचायतों में दरी, जाजिन, सतरंगी और पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंच लाइट कहते हैं। तो यहाँ पर गांव में सभी मिलाकर टोटल 8 पंचायतें हैं और सभी जाति से अलग अलग सभा चट्टी है। तो यहाँ पर सभी पंचायतों में दरी, जाजिन, सतरंगी और पेट्रोमैक्स है और जिसे गांव वाले क्या कहते हैं? पंच लाइट कहते हैं। पंच लाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया 10 रुपये जो बच गए हैं इससे पूजन की सामग्री खरीद ली जाए। बिना नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज की पुण्याय नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनाने के पहले बलि दी जाती थी। तो उन्होंने सोचा कि अब जो 10 रुपये बच रहे हैं उससे कुछ पूजन की सामग्री खरीद ली जाती है, यानी अंग्रेजों के टाइम में भी अगर पुल कोई चीज बनवाई जा रही है तो उसके लिए बलि दी जाती थी। मेले से सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत की छड़ीदार पंच लाइट का डिब्बा माथे पर लेकर उसके पीछे सरदार, दीवान और पंच बरे गए। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोले के फुटंगी झा ने टोक दिया, कितने में लालटेन खरीदी महतो। तो उसके बाद जब वो गांव से लौट रही थी तो गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोले जो थे उन्होंने उन्हें टोक दिया और पूछा कि लालटेन कितने में खरीदी? देखते नहीं है पंच लाइट है, ब्राह्मण टोली के लोग ऐसे ही ताप करते हैं। अपने घर की डिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरों के पंच लाइट को लालटेन। तो अब उन्होंने कहा, सरपंच ने कहा कि जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, अपने घर की डिबरी को तो बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरों की पंच लाइट को भी लालटेन कहेंगे। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी कान पर थोड़ कर दौड़ आए। चल रे चल, अपना पंच लाइट आया है। पंच लाइट छड़ीदार अगू मैं तो रह रहकर लोगों को चेतावनी देने लगा, हाँ दूर से, जरा दूर से छूछा मत करो, ठेस न लगे। तो अभी क्या थे कि वो किसी को से हाथ नहीं लगाने दे रहे थे, यानी बहुत ही वो दिखा रहे थे, रौब दिखा रहे थे अपना कि उनके पास पंच लाइट है और इसे किसी को भी छूने नहीं दे रहे थे और गांव भर के लोग उसको देखने के लिए बाहर इकट्ठा हो रहे थे। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौका पीढ़ी लगाओ। टोले की कीर्तन मंडली के मूल ज्ञान ने अपने भक्तिया पथ को समझा कर कहा, देखो आज पंच लाइट की रोशनी में कीर्तन होगा। अब सरदार जो थे उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि सांझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौकी पीढ़ी लगा लेना और कीर्तन होगा और आज पंच लाइट की रोशनी में ही कीर्तन होगा। बिताने लोगों से पहले ही कह देता हूँ, आज यदि आकर धरने में टेढ़ बेढ़ हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बैकाट। औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे
बेवजह शोरगुल मचाना शुरू कर दिया। सूरज डूबने के एक घंटा पहले से ही टोल भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर जमा हो गए। पंचलैग यानी वहां के लोगों में एकदम शोरगुल समझ गया था कि पंचलैग पर और पंचलैग को देखने के लिए सब गांव भर में जमा हो रहे थे। पंचलैग के सिवा और कोई गप नहीं, कोई दूसरी बात नहीं। सरदार ने वो घोड़ी पीते हुए कहा, दुकानदार ने पहले सुनाया पूरे 5 घोड़ी 5 रुपया। मैंने कहा कि दुकानदार साहब यह मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती हैं, बहुत बहुत पंचलैट देखे हैं। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा, बोला, लगता है आप जाति के सरदार हैं। ठीक है, अब आप सरदार होकर खुद पंचलैट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 घोड़ी में आपको दे रहे हैं। तो अब जो सरदार जो थे वो अपनी वाहवाही करते हुए कहते हैं, सबको सामने बताते हुए कि जब मैं पंचलैट लेने गया तो पहले उसने ज़्यादा पैसे बोले थे, तो मैंने उसको बोला कि मैं कोई देहाती नहीं हूँ और मैंने ऐसे पंचलैट बहुत देखे हैं। इसके बाद दुकानदार जो था वो देखने लगा और कहता है कि आप जाति से सरदार लगते हैं। ठीक है, आप सरदार होकर खुद पंचलैट लेने आए हैं तो जाइए, आपको 5 फोड़ी में मैं ये पंचलैट दे दूंगा। दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है, पंचलैट का बक्सा दुकान का लोफर देना नहीं चाहता था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंचलैट कैसे ले जाएंगे। दुकानदार ने लोफर को डांटते हुए कहा, क्या रे दीवान जी की आंख के आगे धुरखेल करता है, दे दे बक्सा। वो जो दुकानदार का नौकर जो था वो पंचलैट का बक्सा देने से मना कर रहा था, तो दुकानदार जो थे वो अपने नौकर को डांटते हुए कहते हैं कि क्या रे दीवान जी को बक्सा देने से क्यों मना कर रहे हो, दे दो। टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। छड़ीदार ने औरतों की मंडली में सुनाया रास्ते में सन सन बोलता था पंचलैट, लेकिन एन मौके पर लेकिन लग गया। रुदन साहब बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासन तेल आया और सामान पैदा हुआ, पंचलैट को जलाएगा कौन। यानी उसके बाद एक सवाल उनके सामने आया, जब 3 बोतल किरासन का तेल ले आए और सवाल पैदा हुआ कि पंचलैट को अब कौन जलाएगा। यह बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी, पंचलैट खरीदने के पहले किसी ने ये नहीं सोचा था, खरीदने के बाद भी नहीं सोचा था। अब पूजा की सामग्री चौके पर सजी हुई है, कीर्तन या लोग ढोल करतार खोलकर बैठे हैं और पंचलैट पड़ा हुआ है। ढोल करतार खोलकर बैठे हैं और पंचलैट पड़ा हुआ है। गांव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने का कोई भी झंझट हो। कहावत है, भाई रे गाय लो और दूहे कौन, लो मजा। यानी एक कहावत है ना कि गाय तो ले लो लेकिन उसे दूहेगा कौन, यानी उसका दूध कौन निकालेगा। तो यहाँ पर यही करनी बात थी, उन्होंने पंचलैट के तो लिखी लेकिन इसे जलाएगा कौन ये किसी को नहीं पता था। अब इस कल कब्जे वाली चीज को कौन बाले, यह बात नहीं कि गांव भर में कोई पंचलैट बालने वाला नहीं, हर एक पंचायत में पंचलैट है, उसके जलाने वाले जानकार हैं। लेकिन सवाल है कि पहली बार नेम टेम करके शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलैट जलेगा, इससे तो अच्छा है कि पंचलैट पड़ा रहे। तो यानी यहाँ पर उन्हें लगा कि दूसरी पंचायत के आदमी को बुलाकर पंचलैट जलवाना पड़े तो बेकार है, इससे तो बढ़िया है कि पंचलैट ऐसा ही पड़ा रहे। जिंदगी भर ताना कौन सहेगा, यानी अगर उन लोगों से पंचलैट जलवाया गया तो इनका जिंदगी भर ताना सहना पड़ेगा। बात बात में दूसरे टोले के लोग कूट करेंगे, तुम लोगों का पंचलैट पहली बार दूसरों के हाथों तेर। नाना पंचायत की इज्जत का सवाल है, दूसरे टोले के लोगों से मत कहिए। चारों ओर उदासी छा गई, अंधेरा बढ़ने लगा, किसी ने अपने घर में आज डिबरे भी नहीं जलाई थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, अंधेरा बढ़ने लगा और चारों ओर अंधेरा छा रहा था और आज किसी ने अपने घर में डिबरी भी नहीं जलाई थी। आज पंचलैट के सामने डिबरी कौन बालता है, सब किए किराए पर पानी सिर रहा था। सरदार दीवान और छड़ीदार के मुंह में बोले नहीं,
पंचों के चेहरे उतर गए थे, यानी सब उदास हो गए थे क्योंकि समझ नहीं आ रहा था इस लालटेन इसको पंचलाइट को अब कौन जलाएगा। किसी ने दबी आवाज में कहा, कल कब्जे वाली चीज सा नखरा बहुत बड़ा होता है। एक नौजवान ने आकर सूचना दी, राजपूत टोले के लोग हंसे हंसे पागल हो रहे हैं। कहते हैं कान पकड़कर पंचलेट के सामने पांच बार उठो बैठो, तुरंत जलने लगेगा। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया है, हंसेंगे नहीं। एक बूढ़े ने आकर खबर दी, रुदल साहब बनिया भारी बतंगड़ आदमी है, कह रहा है पंचलेट का पंप जरा होशियारी से देना। बूढ़े काकी की बेटी मुंडरी के मुंह में बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती है, वह कैसे बोले। वह जानती थी कि गोधन पंचलेट बांधना जानता है, तो अब बूढ़े काकी की जो बेटी है मुंडरी के मन में बार बार एक बात आ रही थी, लेकिन वो उस बात को कैसे बोलो उसको समझ नहीं आ रहा था। वो ये जानती थी कि गोधन जो है वो पंचलेट को जलाना जानता है, लेकिन गोधन का पुक्का पानी पंचायत से बंद है। पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिन से चढ़ा हुआ था, दूसरे गांव से आकर बसा है गोधन, और अब तक टोले के पंचों को पांच सुपारी खाने के लिए भी कुछ भी नहीं दिया। यानी गोधन जो था वो उसका हुक्का पानी पंचायत के द्वारा बंद था, इसीलिए कोई उसे ये बात नहीं कह सकता था। परवाह ही नहीं करता है, बस पंचों को मौका मिला 10 रुपया जुर्माना न देने पर हुक्का पानी बंद। यानी वहाँ के पंच जो थे वो क्या करते थे, अगर कोई भी चीज़ हो जाती थी कुछ भी होता था तो जुर्माना लगा देते थे, और अगर जुर्माना नहीं देते थे तो उसका हुक्का पानी बंद कर देते थे। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है, उससे कैसे कहा जाए मुंडरी इसका नाम कैसे ले, और उधर जाति का पानी उतर रहा है। तो अब गोधन जो था वो पंचायत से बाहर था, और उसे कैसे कहा जाए, अब मुंडरी उसका नाम कैसे ले, क्योंकि वो जाकर भी उसका नाम नहीं ले सकती क्योंकि उसका हुक्का पानी पंचायत से बंद था, और उधर जाति का पानी उतर रहा है। मुंडरी ने चालाकी से अपनी सहेली कनेली के कान में बात डाल दी। अब कनेली क्या करती है, चिंगो चिद चिन। कनेली मुस्कुरा कर रह गई, मुंडरी तो बल है। मुंडरी बोली, तू कह तो सरदार से। अब मुंडरी अपनी सहेली कनेली से कहती है कि तुम ये बात सरदार से कहो। गोधन जानता है पंचलेट बालना, कनेली बोली। अब कनेली जो है वो बोलती है कि गोधन जानता है पंचलेट को बांधना, कौन गोधन जानता है बांधना। लेकिन सरदार ने दीवान को देखा, और दीवान ने पंचों की ओर, पंचों ने एकमत होकर हुक्का पानी बंद किया है। तो अब सरदार जो है वो दीवान को देखते हैं, दीवान पंचों को देखते हैं, और सभी ने मिलकर उसका हुक्का पानी बंद किया है। सलीमा का गीत गाकर आपका इशारा मानने वाले गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा, जाति की बंदिश क्या, जबकि जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही है। तो जी दीवान, अब सरदार जी क्या कहते हैं कि अब जाति की बंदिश क्या होगी जब जाति की इज्जत ही पानी में बहने जा रही है। तो दीवान जी ने कहा, ठीक है। पंचों ने भी एक स्वर में कहा, ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। अब गोधन को खोलने की बारी आई। सरदार ने छड़ीदार को भेजा, छड़ीदार वापस आकर बोला, गोधन आने को राजी नहीं हो रहा है। अब जब सरदार ने छड़ीदार को भेजा तो छड़ीदार आकर बोलता है कि गोधन तो आने के लिए तैयार भी नहीं है। कहता है, पंचों की क्या प्रतीत है, कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। तो अब उसने कहा कि पंचों की क्या बात की जाए, अगर कल फिर मेरे से कोई कब्जा बिगड़ गया तो फिर से मुझे कोई ना कोई जुर्माना भरना पड़ेगा। छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा, किसी तरह गोधन की राजी करवाइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। मुंडरी काकी बोली, जरा मैं देखूं। कह के मुंडरी काकी उठकर गोधन के झोपड़े की ओर आ गई और गोधन को मना लाई। सभी के चेहरे पर आशा की रोशनी चमकी, गोधन चुपचाप पंचलेट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास चप्पल काटती हुई बिल्ली को ठगाया, कीर्तन मंडली का मूल ज्ञान मूर्छल के बालों को सवारने लगा। गोधन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है, बिना स्पिरिट के कैसे जलेगा। अब गोधन ने
स्प्रिट मांगा, क्योंकि स्प्रिट के बिना अपन सेट नहीं चल पाएगा, नो मजा। अब यह दूसरा बकेड़ा खड़ा हुआ, सभी ने मन ही मन सरदार दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। यानी सब ने अपने मन में ये सोचा कि इनकी जो बुद्धि है वो एकदम विकार है, बिना बूझे समझे काम करते हैं ये लोग। उपस्थित जन समूह में फिर मायूसी छा गई, लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है, बिन स्प्रिट के ही पंचलैट जलाएगा। थोड़ा गरी का तेल ला दो, मुंडी दौड़ कर गई और एक मलसी गरी का तेल ले आई। गोधन पंचलैट में पंप देने लगा, पंचलैट की रेशमी थाली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंकता, कभी पंचलैट की चाबी घुमाता, यानी धीरे धीरे वो उसमें हवा भरने लगा, कभी मुंह से और कभी उसकी चाबी को घुमाकर। थोड़ी देर के बाद पंचलैट से सनसनाहट की आवाज निकलने लगी और रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिल का मैल दो हो गया, गोधन बड़ा काबिल लड़का है, यानी अब जो गोधन था जो था उसकी काबिलियत जो है लोगों के वहाँ के लोगों के दिलो दिमाग पर छा गई, समझ गए कि ये जो है बहुत ही काबिल लड़का है। अंत में पंचलाइट की रोशनी से सारे टोली जगमगा उठी, तो कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी जी की जय ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिया। पंचलाइट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए, गोधन ने सबका दिल जीत लिया। तो गोधन ने पंचलाइट को जलाकर वहाँ जितने भी लोग थे जो कीर्तन कर रहे थे महावीर स्वामी का, और जो पंच लोग थे पंच दीवान सरदार सभी का मन जीत लिया था। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारे साथ खून माफ, सनीमा का गाना। तो अब क्या थे सरदार जी ने क्या कहा, उन्हें बुलाकर कहा कि तुमने आज जाति की इज्जत रखी है तो तुम्हारी सब गुनाह माफ है। सात खून माफ का मतलब यहाँ पर क्या है, ये मुहावरा है, यानी तुम्हारी हर चीज माफ है, अब तुम खूब गाओ सनीमा का गाना, यानी अब तुम खूब गा सकते हो, बजा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बोली काकी बोली, आज रात मेरे घर में खाना गोधन। अब बोली काकी जो है वो तो खाने पर इन्वाइट करती है गोधन को। कीर्तनिया लोगों ने एक कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि की, हो जय हो। पंचलैट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता पुलकित हो रहा था। अब उस गांव में पंचलैट के प्रकाश से एक एक चीज चमक रही थी, सभी लोगों के चेहरे अलग ही प्रकाश से चमक रहे थे, पेड़ पौधे सब अलग ही प्रकाश में दिखाई दे रहे थे। तो ये एक गांव में पंचलैट की कहानी है, जब गांव के सरदार पंच लोग सब मिलकर एक पंचलैट खरीद के लाते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता होता कि ये पंचलैट किस तरह से जलेगा और इसको जलाने के लिए क्या करना चाहिए। तो वहीं पर उस गांव में क्या होता है, एक व्यक्ति होता है गोधन, जिसका गांव से उनका पानी बंद होता है, लेकिन किसी तरह उसे मनाकर वो लोग पंचलैट जलाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो गोधन जो है पंचलैट को जलाता है और गांव के सभी लोगों का दिल जीत लेता है। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा यहीं खत्म होता है, हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ।